किसी भी मोबाइल का साइड से बैक कैसे करें। दोस्तों अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज़ करो और एंड्रॉइड की कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल यूज़ करो, किसी भी कंपनी का एंड्रॉइड मोबाइल यूज़ करो, लेकिन आप चाहते हो कि साइड से बैक करना चाहते हो, पहले क्या होता है कि यहाँ पे नीचे आपको बैक बटन और होम बटन या यहाँ पे स्वाइप बटन देखने को मिल जाता है। लेकिन आप क्या होगा, आप यहाँ पे जो कि साइड से आपकी स्वाइप करके भी बैक कर पाओगे। हाँ जी दोस्तों, साइड से आप अगर स्वाइप करके बैक करना चाहते हो, इस प्रकार से अगर ऑप्शन लेकर आना चाहते हो आपने मोबाइल पर, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि सबसे आसान तरीका मैं बताऊँगा। आपने मोबाइल के सेटिंग के अंदर ये रहता है, बस आपको स्वाइप करके भी बैक कर पाओगे। हाँ जी दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट कर देखिए किस प्रकार से करोगे। सबसे पहले आपने किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल यूज़ करो तो सबसे पहले अपना सेटिंग ओपन कर लीजिए होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, आपको सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग ओपन कर लीजिए। सेटिंग ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्वर्सन टूल बोल के, एक ऑप्शन मिलेगा, इस प्रकार से आ जाइए। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर कॉन्वर्सन टूल देखने को मिल जाता है, ये मेरा रियलमी मोबाइल है, तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा सेटिंग ओपन करोगे तो। उसके बाद यहाँ पे नेविगेशन बोल के ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना है। जैसे टैप करोगे यहाँ पे देख लीजिए, ये बैक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये ऑप्शन ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे देख लीजिए, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे साज आइकन देखने को मिलेगा, आप जैसे सेटिंग ओपन करोगे तो यहाँ पे साज आइकन देखने को मिल जाता है, ठीक है। साज आइकन के ऊपर क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नेविगेशन लिख के आपको सर्च करना है। जैसे इस प्रकार से नेविगेशन लिख के आप सर्च करोगे, तो यहाँ पे टूल्स मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको नेविगेशन मिल जाएगा, तो इसके ऊपर आप जैसे टैप करोगे वैसे ही आपने वही पेज पे लेके जाएगा, रीडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से सब ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से जो कि वर्चुअल बटन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे स्वाइप जो सबसे ऊपर यहाँ पे स्वाइप स्लाइड बटन है, इसे आपको एक्टिवेट कर देना। एक्टिवेट जैसे कर दोगे, आप आपका कुछ भी काम नहीं, आप बैग आ जाइए, देखिए। उसके बाद आप जैसे बैग आ जाओगे, तो इस प्रकार से स्लाइड करके आप जो कि बैग कर पाओगे। और यहाँ पे कुछ भी अगर कोई भी ऐप में हो, अगर आप डायरेक्ट करना है, तो इस प्रकार से स्वाइप कर दोगे ऊपर की तरह, तो ये स्वाइप हो जाएगा। इस प्रकार से आपने किसी भी मोबाइल के साइड से बैक कर पाओगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। ऐसे ही अगर वीडियो देखना चाहते हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, और कोई भी प्रॉब्लम आ रहा तो आपने मोबाइल रिलेटिव और कोई भी किसी भी सेटिंग जानना है, तो जरूर कमेंट में बताना। तो ऐसे ही वीडियो मैं बना के रखूंगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।